कैसी लगी आपको? देखिए, राखी हर लुक में खूबसूरत लगती है। मैं उसके साथ रहती थी, मैं उसको रेडी करती थी, फिर आज भी मुझे पता है वो आज भी बहुत सुंदर लगेगी। तो मुझे पता नहीं, आज अच्छा नहीं लग रहा है कि राखी और मैं अलग है। खैर क्या करे, राखी यही चाहती थी सो यही सही। राखी के लिए मेरा बहुत कुछ था, राखी को लेके मेरे दिल में एक सॉफ्ट कॉर्नर होना आज भी है। मेरा फेवरेट पार्ट है गरबा, मेरा फेवरेट पार्ट है। मुझे खेलना बहुत अच्छा लगता है। मैं आज रात को भी खेलने जाऊंगी, मैं कल भी जाऊंगी। राखी जी, सुना है राखी जी भी यहाँ पे आ रही हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, ये माता का पंडाल है, यहाँ माता बैठी हुई है, हर अपने भक्त को माता यहाँ आशीर्वाद देंगी। मुझे लगता है राखी को भी आके माता का आशीर्वाद लेना चाहिए। कहने की अगर बात करें, जो है राखी जी ने आप पर भी इल्ज़ाम लगाया था, तो उसे किस तरह से देखते हैं जब जो है इल्ज़ाम पे इल्ज़ाम लगता हो? देखिए, मैं एक पीड़ित लड़की हूँ, एक मुझ पर हल्ला बोलती है, रोज़ एक नए इल्ज़ाम लगाती है, ब्लेम करती है, और आज मैं माता रानी के सामने हूँ, तो मैं ज़रूर चाहूँगी कि माता रानी ये मेरे सारे जितने भी विघ्न हैं, ये जो राखी मेरे साथ कर रही है, आज राखी आपके पंडाल आने वाली है, तो आप उसको इतनी बुद्धि दे कि किसी लड़की की ज़िंदगी ख़राब ना करे और हर किसी के साथ अच्छे से रहे, लड़की हो या लड़का हो। तो राखी को मैं ये मैसेज देना चाहूँगी माता रानी के पंडाल में कि किसी की ज़िंदगी ख़राब मत करो। आप राखी की सबसे बेस्ट फ्रेंड थी, कहीं ना कहीं बात करें तो नज़र साथ में नज़र आती थी, तो ऐसा क्या वजह थी जो आप जुदा हो गए? देखिए, वजह तो बहुत सारी थी, मैंने पहले भी बहुत सारी वजह बता चुकी हूँ। राखी मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी, मैं राखी की सिर्फ दोस्त नहीं थी, राखी के लिए मेरा बहुत कुछ था। राखी को लेके मेरे दिल में एक सॉफ्ट कॉर्नर होना आज भी है। मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं राखी की दुश्मन हूँ, बिल्कुल नहीं, बट जो राखी ने मेरे साथ किया है वो किसी के साथ करना नहीं चाहिए। एज अ फ्रेंड राखी को किसी के साथ नहीं करना चाहिए। और रही बात दोस्ती की, तो मुझे पता नहीं, आज अच्छा नहीं लग रहा है कि राखी और मैं अलग है। खैर क्या करे, राखी यही चाहती थी सो यही सही। आज देवी माँ का आशीर्वाद लिया, आशीर्वाद में क्या कुछ मांगा? देवी माता से मैंने बहुत कुछ मांगा है, खैर मैं बताऊंगी नहीं, जिस दिन मेरा पूरा हो जाएगा, मेरी मन्नत पूरी हो जाएगी, उस दिन मैं बता दूंगी कि मैंने देवी माँ से क्या मांगा। बंगाली लुक में आज राखी आने वाली है आज यहाँ पंडाल पर, कैसी लगेंगी? देखिए, राखी हर लुक में खूबसूरत लगती है। मैं उसके साथ रहती थी, मैं उसको रेडी करती थी, फिर आज भी मुझे पता है वो आज भी बहुत सुंदर लगेगी। किसी को मोबाइल क्या कहना चाहेंगे आप? सेम पंडाल में आप भी हैं, सेम पंडाल में आपकी दुश्मन भी आ रही है। देखिए, इस पंडाल में न जाने कितने दोस्त और कितने दोस्त दुश्मन मिलते होंगे। ये माता रानी का घर है, यहाँ पे हर किसी को आना अलाउड है। माता रानी हर किसी को आशीर्वाद देगी, वो मेरा दोस्त हो या वो मेरा दुश्मन हो, या हर कोई आ सकता है। अगर फिर से राखी के दोस्ती करना चाहें तो आप क्या दोस्ती करेंगी? इस बात का जवाब मेरे पास ना कल था, ना आज होगा और ना कल होगा। मैं अब राखी से दोस्ती कभी नहीं करना चाहूँगी। और दुश्मनी? दुश्मनी तो अच्छे से निभा लूँगी और मैं निभा रही हूँ। खैर देखते हैं, अब डे बाय डे चीज़ें चेंज होती जा रही है। जब से मेरा FIR हुआ है, राखी शांत हो गई है, उसने अपना मुंह बंद किया है, और मैं यही चाहती थी कि राखी मेरे अगेंस्ट बोलना बंद करे। वो भी ऐसी गंदी भाषा का उपयोग करती थी, इतने अश्लील शब्द वो मेरे बारे में बोलती थी। अच्छी बात है कि उसने मेरे बारे में बोलना बंद कर दिया है। हाल ही के वीडियो में भी राखी ने बहुत भला बुरा कहा है आपको। वही ना, देखे मैं यहाँ से रोज़ यही सोचती हूँ कि राखी मेरे बारे में बोलना बंद करे, लेकिन उनका बोलना बंद नहीं होगा। अब क्या करे, राखी सावंत का दूसरा नाम ही, अब माता के मंदिर के अंदर भी खड़े होके मैं गलत शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहती। मुझे लगता है राखी कभी नहीं सुधरेगी, कभी नहीं सुधरेगी। वो इस एज में हो गई है, वो 50+ हो गई है, लेकिन फिर भी उसको पता नहीं चलता है कि उसको क्या बोलना है। खूबसूरत लग रही हो, ब्यूटीफुल लग रही हो, बहुत ही अच्छे ब्यूटीफुल लग रही हो। देखो, जब लड़कियों को आप कॉम्प्लीमेंट देते हैं कि लड़कियाँ ब्यूटीफुल लग रही है, तो वो और ज़्यादा लगती है। और मैं तो हुई बचपन से सुंदर। नवरात्रि भी चल रहा है, नवरात्रि चल रहा है, मेरा फेवरेट सीजन है नवरात्रि। नवरात्रि में हमें बहुत रेडी होने मिलता है, जैसे कि आप मुझे देख रहे हैं, मैं 6 से रेडी हुई हूँ।
तो गरबा में एंजॉय कर रहे हैं कि नहीं आप? मुझे बहुत पसंद है गरबा, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे से खेलने नहीं आता है, बट हाँ मैं गरबा बहुत प्ले करती हूँ, जितना मुझसे हो लोगों को कॉपी कर करके मैं गरबा ज़रूर खेलती हूँ। मुझे गोल गोल घूमना है, क्या क्या हाँ ये अच्छा, ये मेरे फ़ोन से लोग हैं या दोनों फोन से बनाओ रेडी तो हम गरबा करें पीछे आ जाते गिरोगे मैं नहीं गिरूंगी मुझे हैबिट है गरबा करने की गोल 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 घूमने की सो मैं इतने आसानी से गिरती नहीं हूँ खूबसूरत के पीछे कोई राज होगा मैम खूबसूरती के पीछे का राज हाँ राज तो बहुत सारे हैं बट खूबसूरती के राज बताए नहीं जाते जहाँ तक मुझे पता है हमें खूबसूरती के राज छुपा के रखने चाहिए उतनी ज़्यादा हमारी खूबसूरती बढ़ती जाती है आप ये कह सकते हैं कि मैं फेयर एंड लवली लगाती हूँ चले अंदर आपका फेवरेट कलर कौन सा है मेरा फेवरेट कलर है रेड ब्लैक वाइट पिंक ऑलमोस्ट मेरे सारे कलर फेवरेट है तो रेड कलर में कभी दिखने को मिलेंगे आप तो आपकी इच्छा मैं कल ही पूरी करती हूँ कल ही हम रेड कलर पहन लेते हैं अंदर चले करो आया जिसे चाहिए था तुम्हारे कैश ऐसा हाँ कैश है आपके पास तो कितना है अभी आपके पास ढाई हज़ार होगा ढाई हज़ार है उसको 8,000 चाहिए थे हाँ अजय को 8,000 चाहिए उसके पास 8,000 जी पे चाहिए उसको लेकिन चल गया जी पे चाहिए मेरे पास कैश हाँ तो फिर मुझे एक दुपट्टा दिला दीजिए ना ले लीजिए क्या नाम है आपका नीरज सिंह देखिए आज नीरज सिंह मुझे दुपट्टा दिलाने वाले हैं नवरात्रि के पावन अवसर पर एक नया दुपट्टा गिफ्ट मिलने वाला है कौन सी दुकान से उस दुकान से कोई दुकान से थैंक यू वेरी मच नीरज आपने मुझे बोला वही काफ़ी है अब गिफ्ट मैं आपके लिए लेके आऊँगी थैंक यू चार लेके आएंगे मेरी वाइफ के लिए आपकी एक गर्लफ्रेंड है दो है लेकिन एक ब्रेकअप हो गया यस अरे पीछे आ जाओ यार आज ना अभी नवरात्रि में एक अच्छी चीज ये है कि गर्लफ्रेंड बहुत इजीली मिल जाती है क्या आपके लिए ढूंढनी चाहिए नहीं नहीं एक है साक्षी सिंह के नाम से अच्छा नाम भी साक्षी है हेलो साक्षी चप्पल छोड़ना पड़ेगा भाई किसका है